नमस्कार किसान भाइयों, टीम ग्रामोफोन से मैं हूं जितेंद्र चौहान और आज हम पहुंचे हैं इंदौर जिले के एक ऐसे गांव में एक उन्नतशील किसान, एक समृद्ध किसान से मिलने। तो आइए जानते हैं उनका परिचय। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है मुकेश जाट, ग्राम तिनछा, जिला इंदौर, तहसील मऊ में रहता हूँ। सर, आपने प्याज की फसल लगाई थी गर्मी में। जी सर। है ना, तो प्याज की फसल में आपने प्याज समृद्धि किट वो आपने डाला। हाँ बिल्कुल डाला अपने ग्रामोफोन का। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उसके में बहुत अच्छा फायदा रहा अपने को फसल में, न तो कुछ कमी जैसे जो कीटाणु की थी वो पूरी हो गई उसमें। अच्छा, और बाकी अपन को उत्पादन में भी अच्छा मिला उसमें। जैसा कि हमने देखा है कि आपने प्याज अभी तक के स्टोर कर रखा है। हाँ, जैसे अभी प्याज की स्टोरेज क्षमता में उसमें बहुत अच्छा फायदा हुआ, जैसे अंकुरित बहुत कम हुए उसमें, सड़े भी बहुत कम है उसमें, और अपन ने भी दिसंबर तक रखा उसको प्याज को। अच्छा, कितने कीट डाले थे आपने? डेढ़ बीघे में एक कीट डाला था। डेढ़ बीघा में कीट, डेढ़ बीघे के हिसाब से एक कीट डाला था। मतलब उसका प्याज की कलर साइज वगैरह बहुत बढ़िया रहा, कलर वालर साइज भी अच्छा बना उसका, उत्पादन में फायदा हुआ अपन को। उत्पादन में फायदा बहुत बढ़िया, अच्छा रहा रिजल्ट उसका। तो किसान भाइयों, ग्रामोफोन ने सुपर फसल नाम का एक प्रोग्राम चालू किया था और उसका हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, किसानों के अनुभव काफ़ी सुनने को मिले हैं। तो आइए हम सुपर फसल प्रोग्राम से किसान को क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या उनको सुविधाएं ग्रामोफोन की तरफ से मिलती गई, उसके बारे में जानते हैं। तो सर, आप ये बताइए कि आपने मिट्टी परीक्षण करवाया था। जी। है ना, तो मिट्टी परीक्षण के बाद में आपको जो फ़ायदे हुए वो मिट्टी परीक्षण से, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से किसान भाइयों को बताइए। मिट्टी परीक्षण से अपन को ये फ़ायदा मिलता है कि उसमें जो भी कमी रहती है अपन को ज़मीन के अंदर, उसकी अपन को जानकारी मिल जाती है और उसके हिसाब से अपन को वो तो डालना। क्या कमी आई थी अपने खेत में? अपने को इसमें सल्फर की कमी आई थी। अच्छा, सल्फर की कमी, कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में आया था। अच्छा, तो उसको रिपोर्ट पड़ी थी आप? हाँ, रिपोर्ट पड़ी थी हमने। तो जो सुपर फसल की जो रिपोर्ट आपको मिली थी उससे आप संतुष्ट थे? जी। अच्छा, तो उसके बाद जो आपने अपने खेत में जो जो कमियाँ थी या जो ज़्यादा मात्रा थी, तो वो ग्रामोफोन की सलाह के माध्यम से? हाँ, उसी के माध्यम से अपन ने उसका आगे का वो जो तो किया। उसके बाद आपने कौन सी फसल लगाई थी? अपन ने इसके बाद मिट्टी परीक्षण के बाद कद्दू लगाए थे। कद्दू लगाया था जी। तो कद्दू अपना 2 एकड़ में कद्दू था अपना, 2 एकड़ है ना। तो कद्दू आपने इसके पहले भी लगाया था कभी? हाँ, इसके पहले लगाते हैं अपन साल के लगाते हैं। इस बार आपने जो कद्दू की फसल लगाई थी, पिछले साल भी लगाई थी, इसके पहले भी लगाई थी, लेकिन इसके पहले जो लगाई, पहले हम उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उसमें आपको कितना उत्पादन मिला था उस साल? उसमें उत्पादन अपन को कमी मिलता था। अच्छा। क्योंकि अपन को मिट्टी की जांच नहीं करवाई थी अपन। कितने क्विंटल आपका कुछ निकला था उसमें? मतलब अपन को 30 से 40 क्विंटल बीघा के निकलता था। अच्छा। और इस बार अपन को जो ये मिट्टी परीक्षण कराने के बाद वो 50 क्विंटल बीघे के हिसाब से मतलब निकल गया। तो आपने कभी ये महसूस किया कि खर्चे में भी कमी आई है, कि जो मिट्टी परीक्षण करवाने के बाद कुछ खर्चे में कमी आई है? खर्चा कमी लगा इसमें इस बार। अच्छा। और उत्पादन अच्छा मिला अपन को कुल मिला के, मतलब इस बार आपको कितना उत्पादन मिला कद्दू में? इनको 50 से 55 क्विंटल बीघा के हिसाब से इसमें। 50-55 क्विंटल, मतलब कि 15 क्विंटल 20 क्विंटल के आसपास आपका पर बीघा के हिसाब से। हाँ, आपको बेनिफिट रहा। बेनिफिट रहा। और बाकी पूरा जो ग्रामोफोन की तरफ से आपको जो सुविधाएं जो मिलती है, घर पहुंच सेवा हो या फिर आपको समय समय पे जानकारियां हो, तो वो आपको समय पे मिलती रहती है? जी जी, मिलती रहती है। तो सर, आपने अभी जो आलू की फसल लगाई थी रबी की सीजन में, जी, उसकी कटाई भी चल रही है, तो आलू की फसल में आपका क्या थोड़ा सा छोटा सा अनुभव रहा, और इसके बाद अगली फसल आप कुछ लगाने वाले हैं क्या? जी, प्याज लगाएंगे इसके बाद। अच्छा, प्याज लगाएंगे। हाँ, आलू निकालने के बाद। अच्छा, तो प्याज इस बार कुछ रकबा बढ़ेगा या वही रहेगा? हाँ, इस बार, पिछली बार 2 एकड़ के लगाए थे, इस बार अपन 4 एकड़ के लगाएंगे। 4 एकड़ के लगाएंगे। हाँ। अच्छा, तो इस बार आप समृद्धि किट का उपयोग करेंगे? जी, पिछले साल भी किया अपन ने 2 एकड़ का, इस बार 4 एकड़ में 4 एकड़ का, तो इस बार 4 एकड़ का कीट आप डालेंगे, उपयोग करेंगे। जी। आप हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूं मैं कि पहले तो अपनी मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए, जैसे उसमें अपन को कुछ कमी रहती है तो वो अपन को पता लगती है और उसके हिसाब से अपन को फिर उसी हिसाब से फसल लेना चाहिए। तो अपन ने जिस ग्रामोफोन के हिसाब से अपन ने खेती की है उससे अच्छा अपन को फ़ायदा मिला है, तो उसको भी आप ग्रामोफोन के हिसाब से
मिट्टी की जांच करवाएं और उसके हिसाब से आप फसल लें तो उसको आपको बेनिफिट अच्छा मिलता है और हमको भी अच्छा मिला इस बार, इसलिए अपन आगे भी उसी को अपनाएंगे। तो किसान भाइयों, ये थे हमारे किसान मित्र मुकेश जी जाट, इनके अनुभव आपने सुने हैं। आप भी अधिक से अधिक ग्रामोफोन से जुड़े और ग्रामोफोन में गूगल प्ले स्टोर में जाकर ग्रामोफोन की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और जो स्क्रीन पे जो टोल फ्री नंबर दिख रहा है 1800 315 7566 उस पर मिस्ड कॉल करें। धन्यवाद।